सर, जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कुछ उनमें से होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ ऐसा गाइडेंस आपका ये सेशन देख रहे होंगे, तो जी आपकी तरफ से क्या बच्चों को गाइडेंस होगी इस चीज में? जैसा हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत बॉलीवुड क्या जितनी भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के ऊपर और जितना भी फिजिकल अपीयरेंस है उस पर ज्यादा ध्यान है, तो आप बच्चों को इस चीज में क्या गाइडेंस देंगे कि बच्चे इस चीज से इन्फ्लुएंस होते हुए भी अपने आप को कैसे ग्रो हो करें, और कहाँ उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज में इन्फ्लुएंस होना चाहिए और कहाँ नहीं? तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को इस चीज में गाइडेंस दे दो। सहमत। देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जब आप कुछ भी देखते हैं, चाहे वो फिल्म है, टीवी है, एड है, कुछ भी, कोई भी मीडियम में अगर आप देखते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि माना कि अगर मैं एक टीवी सीरियल की बात करूं, तो उसके एक एपिसोड में क्या सब एक जैसे दिख रहे हैं? कोई दादा भी होगा, कोई पापा भी होगा, कोई बच्चा भी होगा, है ना, कोई नौकर भी होगा, कोई मालिक भी होगा, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है कि सब लोग एक जैसे दिखते हैं, मतलब सब लोग एकदम गोरे चिट्टे दिख रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कोई थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, कोई नॉर्मल दिख रहा होगा, कोई बहुत काला भी होगा, और अलग अलग होगा। हाइट के हिसाब से भी आपने देखा होगा कि हम जिस समाज में, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिनेमा जो है समाज का आईना है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना, इसको समझना भी होगा कि हम या हमारे आसपास जो लोग हैं, सब अलग अलग तरह के लोगों से हम मिलते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बच्चे भी हैं, कुछ हमारी एज के भी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, हमें काले, गोरे, हर तरह के लोग भी मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कैरेक्टर्स वाला, जो जो अगेन आपने ये कहा कि आजकल लोगों को कैसा लग रहा है ना कि किस कोई भी इंसान, या हम भी अगर किसी को कहते हैं कि अपने दो फोटो भेज दीजिए, तो वो क्या तमाम तरह के फिल्टर लगा के उसे गोरा दिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मतलब ठप्पा लगा है कि जी आप गोरे ही दिखेंगे तो आप कास्ट हो बिल्कुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गोरे दिख रहे हैं तो आपके लिए काम नहीं है, या काले दिख रहे हैं तो आपके लिए काम नहीं है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन, जो मैंने शुरू में कहा था, सुटेबल एक्टर, सुटेबल एक्टर मेन बात है। मेन बात ये नहीं है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसको बनाए रखें। आप जैसे आपने कहा कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो मैं उन सबसे यही कहूंगा कि आप तय करें कि आपको किस तरह का काम करना है, आपको किस तरह के रोल करने हैं। आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा कि आप क्या हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग कैसा है, आपकी आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे है, आप मतलब बहुत मोटे हैं कि पतले हैं, पेट निकला है कि नहीं निकला है, आप खूबसूरत दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहिए कि किसी ने कहा अरे यार तुम तो क्या दिखते हो, क्या दिखती हो, बस आप चले हीरो बनने, हीरोइन बनने, उस गलत फहमी में मत रहिए। हकीकत में आप कैसे दिखते हैं, शीशे पे जाइए और देखिए, और जब आप देख पा रहे हैं कि खुद आप कैसे दिखते हैं, इंडस्ट्री में देखें कि आपकी तरह कौन कौन लोग हैं जो आपसे सिमिलर दिखते हैं, और वो किस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर एक इंसान के लिए काम है। अगर आप 4 फिट की हैं ना, तब भी आपके लिए काम है, अगर आप 7 फिट के हैं तब भी आपके लिए काम है। तो अब दूसरी बात होती है इन्फ्लुएंस की। देखिए, एक होता है डिजिटल इन्फ्लुएंसर, अलग चीज है, एक्टर अलग चीज है, इस बात को समझिए। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी आई बीच में कि बीच में टिकटॉक या यूट्यूब, तमाम सारी जगहों पे लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डांस करके या स्माइल करके या अपने आप को फिल्टर लगा के गोरा दिखा के, तो उससे उनको थोड़ा बहुत एड मिलने लगे। देखिए, कोई भी इंसान जो एड बनाता है, कोई भी कंपनी एड बनाती है, वो क्या चाहती है, उसे इस बात से मतलब नहीं रहता कि आप अच्छे एक्टर हो कि बुरे एक्टर हो, भाड़ में जाओ, उससे इस बात से मतलब रहता है कि आपको कितने लोग देखेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा तो कितने लोग देखेंगे। यहाँ एक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ लुक इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये फलां टीवी ले लीजिए, मेरे कहने से 1 लाख लोग ले रहे हैं और आपके कहने से 10 लाख लोग ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एड आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल तो वो इन्फ्लुएंस अलग चीज है और एक्टिंग अलग चीज है।
ये इसे मिक्स करके मत लीजिए कि एज एन एक्टर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक्टिंग की डेप्थ आपको जाननी होगी, एज ए वीडियो इन्फ्लुएंसर आप अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो टोटली अलग चीज है। वहां फिल्टर लगाओ, वहां जो करना है सब करो, जो टिकटॉक पे जैसा चल रहा है वहां सब कुछ करिए। पर अगर आप ये सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग थे एज एन एक्टर, उन्हें इतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोगों ने इस वीडियो प्लेटफॉर्म को यूज किया, अपनी एक अपीयरेंस बढ़ाई, और आज की डेट में क्योंकि उन्हें लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं उन्हें, मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो हमें प्रोड्यूसर्स के सामने से कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि इसके लिए तो मुझे कोई वीडियो इन्फ्लुएंसर ही चाहिए। तो वहां पर आप ये सोचें कि वो एक्टिंग के दम पे आया है, नहीं, वो इन्फ्लुएंसर के दम पे आया है। तो अगेन क्यों, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर किसी को अच्छा एक्टर चाहिए तो इन्फ्लुएंस आप कितना भी कर लो फिर आपको नहीं लेंगे। तो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल एक्टर ढूंढना, बस वन लाइन में ये बात आप समझ लीजिए। और इन्फ्लुएंस की बात है तो हर तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ये आप तय कीजिए कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या इसको आप इस्तेमाल अपने करियर में भी कर सकते हैं। माना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और पहले आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन के आपने एक ऑडियंस आपने गेन कर ली, तो इससे आसानी हो जाती है आपको रोल मिलने में, ताकि जब आपको मौका मिलेगा फिर आप प्रूव कर देंगे, और फिर आप अच्छे एक्टर तो हैं ही और आपकी फैन फॉलोइंग भी है तो आपको काम भी ज्यादा मिलेगा। इसको मिक्स करके देखने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंस होना इज टोटली डिफरेंट थिंग और यहाँ पर एक्टिंग करियर इज टोटली डिफरेंट। इसको मिक्स करेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। जी।